कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड थैंक्स टू ऑल योर विशेस कि मैं भी अब बढ़िया हो गई हूँ। काफ़ी दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे विशेस मेरे कमेंट मेरे कम्युनिटी पोस्ट और कमेंट बोल रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट और मेरे वीडियोस पे डाले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा कि काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी मेरे पुराने वीडियोस देख के काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है लगातार, तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं और इसलिए मैं आज की वीडियो भी बना पाई। क्योंकि एक बार जब ये जो चेन है ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर मोटिवेट करना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं ऐसे मोटिवेट हो पाई और ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तबीयत तो ख़राब थी ही, पर वैसे भी काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है वर्ल्ड में, तो उससे भी थोड़ा माइंड वो हो जाता है। पहले हमने जो न्यूज़ सुनी सुशांत सिंह राजपूत, वो उससे भी मुझे अफेक्ट हुआ था काफ़ी। और फिर हमारे सोल्जर्स के बारे में, बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, वो भी काफ़ी ख़राब लगा। ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब होगी, और भी एक प्रॉब्लम हमारी चल रही है घर में, नॉट इस घर में, इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वाले घर में, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। होपफुली थोड़े बहुत दिन और लगेंगे, तो अभी वो भी सॉल्व हो गई है, तो उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा सा माइंड अपसेट चल रहा था। नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, सो आई एम बैक। और फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत और भी ख़राब लग रहा था कि मैं मॉम के घर से आ रही थी। मॉम के पास रहना ऑब्वियसली अच्छा लगता है, तो फिर जब मैं आ रही थी तो मुझे ख़राब लग रहा था। दो हफ्ते रही, बट जो लास्ट के 3-4 दिन थे वो तो मैं बीमारी थी। और अब तो यार अनलॉक स्टार्ट हो गया, तो अब मैं जाती रहूँगी। आप लोग भी फ्रेंड्स, जो भी लोग बाहर निकलें, पूरे प्रिकॉशंस वगैरह लेके निकले, क्योंकि ये जो हमें फ्रीडम मिली है बाहर जाने की, वो फ्रीडम तभी तक रहेगी जब तक हम लोग सारे प्रिकॉशंस रूल्स फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि दोबारा लॉकडाउन होने के चांसेस अगर ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे, ये तो फ्रीडम के लिए हम लोगों को इतना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तक भी प्रॉपर वैक्सीनेशन इसकी नहीं निकली है। मेडिसिन हालांकि पतंजलि वालों ने लॉन्च की थी, पर उसका भी अभी टेस्टिंग चल रहा है। तो फ्रेंड्स, लास्ट के जो 2 दिन थे बिफोर गेटिंग इल, मैंने व्लॉग शूट किया था, पर मैं एडिट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैं एकदम ही बिस्तर पकड़ लिया था और बॉडी पेन भी बहुत था, तो उससे मैंने बिल्कुल भी लैपटॉप को टच नहीं किया था। बट आज मैंने वो एडिट किया, तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे बिफोर गेटिंग इल मेरा कैसा था मॉम के घर पर। और फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज भी मैं एक न्यूज़ में देख रही थी कि एक जो 16-year-old टिकटॉक स्टार है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये देख के मुझे काफ़ी ख़राब लगा। काफ़ी नेगेटिविटी इस टाइम पे है माहौल में, मतलब हम लोग सब घर में बंद हैं, स्टिल अनलॉक हो गया, बट फिर भी काफ़ी लोग कम निकल रहे हैं क्योंकि प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ठीक बात है, ये हम लोग उस तरीके से फ्रीडम अभी इन्जॉय नहीं कर पा रहे, तो वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिविटी है माहौल में। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते, किसी की अच्छाई नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट डोंट स्प्रेड हेट, डोंट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट समवन, बिकॉज उससे किसी को कैसा अफेक्ट हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है। जो बोलते हैं ना कि गॉसिपिंग बीचिंग, ये बिल्कुल भी मत करो। अभी वैसे ही ऐसा माहौल है, तो उस वजह से और लोग अकेले भी हैं काफ़ी लोग, और कैसे किसी को अफेक्ट हो रहा है कुछ नहीं पता है। तो मे बी आप लोग इन्जॉय कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, बट डोंट डू दैट। किसी की बुराई, अगर आपको किसी को कुछ बोलना भी है, किसी के बारे में कुछ आपकी थिंकिंग भी है, अब उसके फेस पे बोलो। गॉसिपिंग वगैरह, बुलिंग, ये सब मत करो। किसी भी इंसान को प्यार से समझा सकते हो कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, उसको प्यार से वो चीज़ कन्वे कर सकते हो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एवरी वन इज़ इम्परफेक्ट। तो नो वन इज़ परफेक्ट, क्योंकि जब भगवान जी भी कहते हैं ना कि अर्थ पे आए थे, तो वो भी, उनसे भी गलतियां हुई थी, तो नो वन इज़ परफेक्ट। तो अगर आप लोगों को लग भी रहेगा किसी में प्रॉब्लम है, तो उसको प्यार से जाके बोलो। ये नहीं कि आप उसके बारे में एक गॉसिपिंग कर रहे हो, बिचिंग कर रहे हो, या फिर बुलिंग कर रहे हो, तो इस सब चीज़ों से लोगों को अफेक्ट होता है, आप देख ही सकते हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत बात है और ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, सो ऑन लाइटर नोट, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आरू नानू के साथ और मम्मी और जानी कुछ शॉपिंग करके आई हैं, पता नहीं थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करके आई हैं। इसको सैनिटाइज कर दो पहले। मेरे पास आरू, मजा आ गया। ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट टू द नेक्स्ट लेवल हो रखी है। मुझे लगा कि अभी तो एक बारी देखना चाहती है गाड़ी के भी, अगर रिटर्न रूट में करना हो तो भी। फ्रेंड्स, हम लोग आए एक और लॉन्ग ड्राइव पे, और आज हम लोग थोड़ा ज्यादा दूर आ गए, मैकनी सर्कल आ गए, और इससे भी शायद हम लोग थोड़ा आगे जाने वाले हैं। तो
मैग्नी सर्कल जो बैंगलोर में लोग उनको पता होगा कि यहाँ पे पैलेस ग्राउंड है जिसमें बहुत सारी शादियाँ होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इवन जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने कभी कभी पार्ट टाइम किया है वहाँ पे, तो अभी बस वही पुरानी यादें पूरी हो रही हैं और काफ़ी टाइम बाद जो इतनी लॉन्ग ड्राइव पर जा निकल रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आरू तो ऑब्वियसली जहाँ पे लॉन्ग ड्राइव रहेगी वहाँ पे आरू रहेगा, और आरू ने आज काफ़ी इन्जॉय किया उसकी गाड़ी, बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय करा जब से उसको गाड़ी मिली है। कुछ ओढ़ ही नहीं रहा है, सो भी नहीं रहा था, और जब से उठा उसी गाड़ी पर ही है वो। तो छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे तो खुश हो जाते हैं। वहाँ तक पहुँच गए, ये साइड में आप देख सकते हैं अगर, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो गई है, अभी वापस जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा मूड थोड़ा अपसेट था आज, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो इंडिया में मुझे ऐसे थोड़ा सा दुख लग रहा था। तो इसलिए जब भी कुछ मूड अपसेट होता है तो ड्राइव पे आके बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो थोड़ा फ्रेशिंग फील होता है कि एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं बाहर आके खुली हवा लेके। और अभी तो ये पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि अनलॉक शुरू हो गए, तो एंड अगर सब लोग रूल्स फॉलो करेंगे तो ये अनलॉक कंटिन्यू होगा, नहीं तो गॉड नोज दोबारा लॉकडाउन। अभी भी मैंने न्यूबियल रोड पे काफ़ी लोगों को देखा जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर डूइंग दैट। और आरू काफ़ी एंजॉय कर रहा है गाड़ियों को देख के, ही इज गॉट बिजी। So I just want everyone should follow the rules ताकि ये इतना जो खुलापन थोड़ा बहुत मिला हमको, हम लोग ये enjoy कर सकें। मतलब ये ही हम लोगों के लिए ना, जैसे कल हम लोगों ने डोमिनोज ऑर्डर किया था या फिर डमशाज है, वो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के लिए इतनी बड़ी हो गई हैं। और अभी जैसे ड्राइव पे आना इतनी दूर भी काफ़ी, नहीं तो हम लोग डिफरेंट जगह ही चले जाते थे ड्राइव पे, और अभी तो यहाँ तक आ गए काफ़ी बड़ा लग रही है बात। तो और अभी एक जगह आने वाली है, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा देख लिया तो उसे याद आ जाएगा, वहाँ पे मेरा और स्नेहा का एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे और शायद मैं स्कूटी चला रही थी, तो ये रोड देख के मुझे पता नहीं हमेशा वही याद आता है। इनफैक्ट मेरी जो एक और बेस्ट फ्रेंड है प्रीति, वो इतनी ज़्यादा इरीटेट हो गई थी क्योंकि जब भी हम लोग इस रोड से निकलते थे ना तो हम लोग सेम चीज़ बोलते थे कि ना मेरा और स्नेहा का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। शीज़ लाइक नहीं, फिर वो चौथे पांचवी बार ना वो ऐसी हो गई कि ना जब भी हम लोग इस रोड से निकले पहले ही बोल रहे थे पता है हमें सबको सबको पता है कि ना यहाँ पे नेहा और स्नेहा का एक्सीडेंट हुआ था। तो इतना ज़्यादा वो बोर हो गई थी उस चीज़ से, पर बहुत उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। हाँ क्या बोलना, चोट नहीं आई थी पर इन लोग को पड़ी, तो थैंक गॉड दे वर सेफ। मुझे वही चीज याद आती है, और मैं और यहाँ से प्रोजेक्ट से कुछ काम करके आ रहे थे, लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट था, और ये सर्कल पे अगर आप लोगों को दिख रहा है ये सर्कल, तो सेम सर्कल पे कुछ किसी इंसान को कुछ वो देते हैं ना इंडिकेटर देना होता है, वो इंडिकेटर नहीं दिया, तो उसकी वजह से हम लोगों पर ज़रा सा टच हो गया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। पर हम लोगों ने सब लोगों को बहुत बड़ा होकर के बताया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ की काफ़ी बड़े होटल्स हैं, विंसर मैनर ब्रिज बोलते हैं इसको ITC के, तो सारे क्रिकेटर्स वगैरह जब यहाँ आते हैं तो वो यहीं पर रुकते हैं इसी होटल में। और हम लोग मजे ले रहे हैं ड्राइव के। तो हम लोग किचन में आ गए दोबारा और आज बना रहे हैं हम लोग मैगी चाउमीन स्टाइल में। ये देखो मम्मी ने मैगी को पहले से बॉईल कर दिया है और एक एक अलग हो रखा है मैगी। मैंने कभी भी इस स्टाइल से ना तो बनाया ना ही खाया, मुझे लगता है पता नहीं मम्मी बोल रही है कि वो पहले ऐसे ही बनाती थी, मुझे याद नहीं है। हम लोग शायद सिर्फ खाते थे तो ध्यान ही नहीं देते थे। और ये देखो पहले ही मैगी को जो पानी में ऑयल डाला था ना उसकी वजह से कैसे मैगी एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। मुझे जो चिपकी चिपकी मैगी हो जाती है ना वो मेरे को बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं। और ये सारी सब्जियां मम्मी ने ऑलरेडी कट करके मस्त से स्लाइस करके रखी हैं, इतनी पतली पतली जैसे चाउमीन में डलती है। ये ऑयल गरम हो रहा है, हमारी पंजाबी जो पार्टीज हुआ करती थी मम्मी उसकी बात कर रही हैं। और इसमें अब सब्जियां डलेंगी, पहले प्याज डाल रही हैं मम्मी। असली फूडर्स बीइंग ना आपको होना चाहिए एक्चुअली, इतनी चीज़ें वैरायटी आप लोग बहुत अच्छे से बनाते हो यार, मेरे पास का नहीं है वो सब, क्योंकि आप इतने टाइप के खाने बनाते हो मम्मी, लाइक चाइनीज इटालियन पास्ता सब कुछ बना लेती है। सब कुछ बना लेते हैं क्योंकि हम उसमें इंडियन टच दे के बनाते हैं, देसी तड़के के साथ। अच्छा इसमें क्या डाला था, अदरक और मिर्च? अदरक नहीं, मिर्ची और लहसुन। और अभी अदरक डाल रही हैं
इनको थोड़ा थोड़ा सा इस मौसम अभी सबसे पहले गाजर डालेंगे क्योंकि ये देर में गलती है थोड़ा गाजर और मटर में और ये सब कच्चा ही है कोई भी इसमें थोड़ा सा भी स्टीम किया हुआ या कुछ नहीं हाँ एकदम कच्चे हैं ये ना मैगी डल रहा है इसमें अब थोड़ा बहुत फ्राई करने के बाद हाँ और ये देखो आलू के कारनामे ये क्या कर रहे हो और मम्मी ने उसके बीच में टमाटर यहाँ पे भी डाल दिए हैं आरू आप क्या कर रहे हो इसे हमने सारे फ्रूट्स फैला दिए वापस रखो इसके अंदर वापस रख दो टोकरी के अंदर वेरी गुड रखो अंदर नो 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 दबाना नहीं है रखो अंदर रखो फ्रूट्स अंदर रखो इसके अंदर कैसे रखते हैं वेरी गुड अब मम्मी डाल रही है इसमें ये क्या मम्मी माय सीक्रेट है ये है सीक्रेट रिवील हो गया आरसीएम की चाइनीज सॉस अच्छा आरसीएम की चाइनीज सॉस है ये हाँ इसमें कई चीज़ें मिक्स है अच्छा फिर अलग अलग से सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं नहीं सही है ये तो ये आरसीएम में मिल जाता है जिसका नेटवर्क मार्केटिंग मेरे डैडी मेरे पापा करते हैं और अभी हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें विनेगर विनेगर और अब डाल देंगे इसमें मैगी मैगी मैंने किया तो था मोनेटाइजेशन और थोड़ा सा पानी का सीटा देना है और अब हम इन्हें खाएंगे कांट वेट टू ईट देम मैगी और चाउमीन स्टाइल में मतलब व्हाट अ कॉम्बो यम्मी अरे तुमने भी सीख लिया हाय गाइस बोलना वीडियो ले रहे सबकी व्लॉगिंग करने लगी अभी से हे भगवान हाय गाइस कार्टून बोल दो हाय गाइस वीडियो लेते घूम रहे हैं हाय गाइस बोल हाय गाइस देखते हैं ना सीख गया एकदम खींचना वीडियो लेना व्लॉगिंग गाइस मम्मा की ले रहे हो हाय गाइस हाय गाइस हाय कर दो हाय कर दो अरे वाह वीडियो ले ऐसे लेते हैं अच्छा ऐसे लेते हैं फोन से तो एक्चुअली आज ट्यूसडे और मम्मी ने सूजी का प्रसाद बनाया था पर वो खत्म हो गया सूजी का जो हलवा मुझे पसंद है बट वो खत्म हो गया और मुझे कुछ मीठे खाने का मन कर रहा था तो मम्मी ने बनाया है केक एकदम फटाफट तो उन्होंने जो भी चीजें बिना मेजरिंग के उन्होंने केक बना दिया तो हम उसे अभी कट कर लेते हैं वो बन चुका है हैप्पी बर्थडे टू मी खा के बताइए काफी गर्म है कैसा बना है बना जबरदस्त आलू हो गया अब गर्म है एक्चुअली और अभी बज रहे रात के 2:30 आलू ढाई बजे मम्मी ने कई केक बना के दिया फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो इसे एक थम्स अप देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे न्यू है बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे मेरे चैनल को हमेशा बनाए रखना और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी जहाँ पे मैंने आरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो आई विल सी यू देयर